मम्मी पहले खोल के देखेगी पार्सल। मम्मी दे दो मेरे को। बिग बॉस नहीं छूटना चाहिए किसी भी हालत में। ला दो। थैंक यू मम्मी। फाइनली मेरा पार्सल आ गया। इस पार्सल के लिए मैंने 2 हफ्ते तक वेट किया। 2 हफ्ते तक मेरा दिमाग इतना खराब हो गया था ना। राम राम जी। नून प्रणाम। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड गुड मॉर्निंग। आज मेरी मॉर्निंग बहुत लेट हुई है क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा काम था। ब्लॉग वगैरह एडिटिंग करनी थी, मेल वगैरह शेड्यूल करने, बहुत सारा काम था तो सब करके सोई थी। 2 बज गई थी रात के। तो मैं सबसे पहले तो पार्सल खोल लेती हूँ। मेरा जिम का पार्सल है तो दिखाऊंगी भी नहीं, वीडियोस में देख लेना। टाइट ही आई है। टाइट बाकी तो वीडियोस में देख लेना। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ, मार्केट से आ जाऊँ सब्जी लेने के लिए। पहले सब्जी लेके आ जाते हैं फिर लंच प्रिपेयर करेंगे। फाइनली मार्केट से आकर और सब्जियां इतनी महंगी हो रखी ना। टमाटर 120 रुपए किलो हो रखे हैं। बाप रे, इतनी महंगी महंगी सब्जी बारिश के कारण। और एक आंटी जो मेरे पास खड़ी हुई सब्जी ले रही थी ना, उस आंटी ने सारी सब्जी ली है पाव पाव भर, मतलब पूरा एक बड़ा सा कट्टा भरवा के ले गई है। मतलब इतनी सब्जी कौन लेता है यार। मैं मतलब इतनी सब्जी लू ना मेरे 2 महीने तक चल जाए। हो सकता है शादी हो। आज मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्जी और जीरा राइस। तो राइस बना लेती हूँ। मैं कोई काम करूँ वो बिगड़े ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। रानी मुखर्जी की। फाइनली इतनी मेहनत के बाद लंच प्रिपेयर हो गया है। तो आज लंच में मेरे पास है राइस, कद्दू, 50 ग्राम पनीर और दही, इसके अंदर खीरा डाल रखा है मैंने। तो अभी मैं रेडी होकर जिम जा रही हूँ। बाय मम्मी। क्या कर रहे हो? आज मेरी मम्मी ने मक्खियाँ मारी है यहाँ पर। मक्खी मार के घर से निकाली। कचरा लेके जाओ। अब जाती जाती मैं दो मेरे लिए खट्टी कर रखी कचरे की थैलियां ले जाने को। यार मम्मी ये मेरा ड्राइवर। <प्रीका। laughs>
चला जा, अकेला जाके करेगा क्या, कराऊंगी तो मैं ही वर्कआउट तेरे को। कचरा कचरा है गाड़ी, गाड़ी है निकली। फाइनली हम पहुंच गए। क्या है क्या, अच्छा है तेरी, तू कहता था आज पूरा जिम खाली, तेरे लिए प्राइवेट जिम बनवाएंगे घर पे, वो पूरा खाली होगा हमेशा। मतलब उम्मीद ऐसी रखता है कि शाम की 5 बज रही और जिम पूरा खाली हो सिर्फ इसके लिए। 6 बज रही, 5-6 टाइम तो वही है जिम का, 5 बजे बाद का, तो कैसे कोई जिम खाली हो सकता है। आज हम वर्कआउट में करेंगे लेग्स, ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग की मसल्स को ट्रेन। तो सबसे पहले वार्म अप करा, उसके बाद मैंने की 15 मिनट ट्रेडमिल और स्क्वाट्स, फिर मैंने किए वेटेड स्क्वाट्स जिसमें मैंने वेट लिया था 60, 75 और 80 kg। उसके बाद मैंने किया था हैमस्ट्रिंग का डिक्लाइन बेंच पर, फिर किया हिप थ्रस्ट, बॉक्स जंप जिसमें मेरे जिम में बॉक्स अवेलेबल नहीं था तो मैंने बेंच पर जंप किया। उसके बाद किए स्टैंडिंग लंजेस 12 रैप ईच लेग और हाफ स्क्वाट होल्ड 30 सेकंड। इन सब का मैंने 3 सेट किया, ये दोनों 2 पार्ट में डिवाइड थी। उसके बाद मैंने किया प्रोन फिजियोबॉल लेग कर्ल टेंट्रम्स, 20 सेकंड के 3 सेट थे। और लास्ट में मैंने किया जंपिंग जैक्स हाई नीज के 50 से 70 रैप, 4 सेट। और लास्ट में स्ट्रेचिंग के साथ हमारा आज का वर्कआउट होता है कम्प्लीट। मेरे से चला नहीं जा रहा है, मेरा कार पेन कर रही हूँ बहुत ज्यादा। गाइस तो फाइनली घर आ गई हूँ और डिनर कर लिया है। मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, बहुत ज़्यादा बॉडी पेन कर रही थी, लेग्स तो इतने ज़्यादा पैटर्न, मतलब लेग्स तो इतने ज़्यादा पेन कर रहे थे ना, मतलब अभी तक वर्कआउट स्टार्ट करने के बाद आज बहुत ज़्यादा टायर्ड थी मैं। तो डिनर में मैंने आज मिक्स दाल ली थी, पनीर और सैलेड लिया था। तो अभी कुछ काम कर रही थी, सोशल मीडिया गई, वीडियो एडिटिंग वगैरह कर रही थी, तो मैंने सोचा व्लॉग एंड कर देती हूँ। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, राम राम जी।